बच्चे हैं ना यहाँ पे पूरा टाइम आवाज करते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, मैं कोई वीडियो नहीं बना पाती। आप ऐसे बोलोगे तो वैसे ही होगा ना। बात तो सही है। हाँ तो आप वही रिक्रीट। तुम एक बात बताओ, तुम बार बार हर रिट्रीट में आती हो दीपा। मेरे पास पैसे का कोई इशू नहीं है। पैसे का कोई इशू नहीं है तो दे दिया जाए इशू थोड़ा सा। ओ हाँ सही, वो तुम्हें ये कहना चाहिए मेरे पास बहुत पैसा है। इशू बोलोगे तो सरस्वती जी बोलेंगे लो लो हाउ मच। यूनिवर्स बोलेगा नहीं है तो दे देते हैं इशू। और एप्पल कहाँ पे है? एप्पल सुनती किधर है? मुंबई चली के मैं बोली थी रुक जाओ 2 मिनट, वो कभी नहीं सुनती। ऐसे बोलोगे तो मैं ही सुनेगी। मेरे सारे फ्रेंड्स के बच्चों के यही बोल रही है, मेरे बच्चे मस्ती करते हैं, सुनते नहीं है। ये बात तो सही है। तो वो बोलोगे तो वही क्रिएट करोगे और बच्चे मस्ती तो करेंगे। हाँ बिकॉज हम ही लोग बोल रहे हैं ना। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है? ऐसे बोलोगे तो वैसे ही होगा। जब हम बोलेंगे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो गर्मी ही तो होगी। आप बोलोगे यस इट्स कूल, आई एम बहुत, मैं बहुत कूल हूँ, तो आपके आजू बाजू में ऐसे आएगा, आप ऐसे में जाओगे, ऐसा हो जाएगा। हम बोल सकते हैं मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। आपने लास्ट योगा कब किया बताओ? मैं अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है दीपा। ऐसे टाइम के बारे में बोलोगे तो वैसा ही होगा। आपको बोलना है आई हैव मोर देन इनफ टाइम टू डू द थिंग्स व्हिच आई लव टू डू एंड व्हिच आई नीड टू डू। क्या बात है, ये हमारी शिष्या हमी को सिखा रही है। क्या सीखा है तू और किसने सिखाया है तुमको? मेरे गुरु ने सिखाया, अंजना विक्टोरिया ने सिखाया। और यही टाइम वाला पता है मैंने मेरे 2 स्टूडेंट्स को दिया था। वो टीचर थे तो वही बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, बीच में तो उन्होंने बोलना चाहिए आई हैव मोर देन इनफ टाइम, आई हैव मोर देन इनफ टाइम टू द थिंग्स व्हिच आई लव टू। उनके लेक्चर्स फ्री होने लगे। क्या बात है। और एक स्टूडेंट, हाय दिस इज अंजना विक्टोरिया, और आपका इंट्रोडक्शन? आई एम वर्ल्ड्स बेस्ट ऑथर दीपा बंजारे। ये है हमारी शिष्या दीपा, वर्ल्ड्स बेस्ट ऑथर। और तुमने कहाँ से सीखा है, ऐसा कौन सा वेबिनार किया? शब्दों की बातें वेबिनार से सीख सीख के इनने इतने अच्छे शब्द सुधार लिए कि हम कभी गड़बड़ करते हैं तो ये हमें सिखा रही है आजकल। तो गाइस हम लेकर आ रहे हैं फिर से एक बार शब्दों की बातें वेबिनार 14 अप्रैल को 5 बजे। आयुषी को मैसेज कर सकते हैं 8433558905 पे, क्योंकि क्या होता है जाने अनजाने में जिस तरह से अभी हमने आपको बताया, हम अपने कई करीबी लोगों से, रिश्तेदारों से बैठ के, फ्रेंड से बातें कर रहे थे, बातों के उसमें इतना बह जाते हैं कि हम अपने कीवर्ड्स नहीं पकड़ पाते कि हम किस तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि अरे मैं अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं दे पाती। हाँ तो आप क्रिएट कर रहे हो ऐसा बोल के, योर वर्ड्स आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। सो आपके शब्द क्या है, आपके कीवर्ड्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कई बार हम ऐसे बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, इन्होंने जैसे कहा पैसे का इशू नहीं है, और कोई लोग बोलते हैं कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, राइट। तो जब हम कहते हैं पैसे का इशू नहीं है, अगर नहीं वर्ड हटा दिया जाए तो क्या कीवर्ड है? पैसे का इशू, पैसे का इशू, पैसे का इशू। पैसे का इशू क्रिएट नहीं करेगा तो क्या करेगा, है ना। कई बार मैंने बहुत पैसे वाले लोगों को बोलते सुना है, हमें तो पैसे की कोई कमी नहीं है, हमें तो पैसे की कोई कमी नहीं है। और आपने कभी देखा है, कई आपने पैसे वालों को, धनवान लोगों को देखा होगा, धीरे 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 उनका पैसा कम होता जाता है और वो कभी नहीं समझ पाते कि अचानक ये क्या हो गया, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता उनके शब्द उनका वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, उनके वर्ड उनका वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं। सो आप जाने अनजाने में गलत कीवर्ड यूज करके अपना गलत वर्ल्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। इसी को मैं सिखाती हूँ शब्दों की बातें वेबिनार में, और वो बताती हूँ कि किस तरह से आप सही शब्दों का इस्तेमाल से स्टेटमेंट फ्रेमिंग बहुत सही कर सकते हैं, जिससे आपका भविष्य बहुत सही हो सकता है। और ऐसे अभी तक दीपा की तरह ऐसे हजारों लोग शब्दों की बातें वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, अपने शब्द सही कर चुके हैं, अपनी जिंदगी सही कर चुके हैं। मैंने खुद ने अपनी जिंदगी 26 रुपए से लेके, गरीबी वाली जिंदगी से लेके अभी तक ये जो मैं लाइफस्टाइल जी रही हूँ, मैंने खुद क्रिएट की अपनी शब्दों से। और कई बार मैंने अपनी जिंदगी गलत क्रिएट की थी अपने ही गलत शब्दों से, जब मैं ये कहा करती थी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में तो एक वक्त ऐसा है कि एक्चुअली मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। कई बार मैं भगवान की तारीफ करने के लिए ऐसा कहा करती थी, ये भगवान, ये गणपति ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं कभी सड़क पे नहीं आई, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और एक दिन मैं अपनी बच्ची के साथ सड़क पे ही थी,
सो गाइस हमें नहीं पता होता है, हम दिन भर में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और गलत वर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। सो अगर नहीं आता है आपको सही शब्दों का चयन, सुंदर शब्दों का चयन या सुंदर स्टेटमेंट नहीं बनाना आता है, तो एक बार अच्छी अफर्मेशन सीख लीजिए किन कॉपीज में लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे आप अपने सही शब्दों के इस्तेमाल से वो क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। yes, मेरा रिसेंटली एक्सपीरियंस है कि मैं बोलती थी कि एवरीवन आर प्राउड ऑफ, मतलब मेरे मॉम को बोलूंगी कि मे बी प्राउड ऑफ योर डॉटर, ऐसे मैंने बोलना चालू किया डेली। तो वर्ल्ड बुक फेयर में मेरे 3 बुक्स हुए तो लोगों ने कॉल कर करके मेरे मॉम को बोला बी प्राउड ऑफ योर डॉटर, प्राउड ऑफ योर डॉटर। तो गलत शब्द भी और सही शब्द क्या यूज करना है आपको जो है? चाहिए उसके लिए राइट। इनका करंट रियलिटी भले ही कुछ ना हो बट इन्होंने करंट रियलिटी को नजरअंदाज करके ऐसा कहना शुरू किया, माय मॉम इज सो प्राउड ऑफ मी, और वो हो गया अनाउंस हर मदर इज सो प्राउड ऑफ हर। सो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे शब्दों की बातें वेबिनार में 14 अप्रैल को शाम 5 बजे, और आयुषी को अभी भी मैसेज कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए कंडक्ट कर रही हूँ क्योंकि साल में एक बात करती हूँ, इस बार नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा करोड़ों का रिट्रीट हुआ था, और आप सब जानते हैं करोड़ों की बातें बोलते बोलते मेरी खुद की जिंदगी करोड़ों की खुशियों से भरी हुई है, इनकी जिंदगी yes. भरी हुई है। हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम किन शब्दों का चयन कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, मिलती हूँ मैं अंजना रितोरी, और दीपा तुम मिलोगी क्या? यस yes, दीपा भी मिलेगी क्योंकि पिछले yes. 3 सालों में इसने एक भी वेबिनार नहीं किया है, आपको देंगे हम सही शब्द सही अफर्मेशन जिससे बन सके आपका सुनहरा भविष्य सही भविष्य। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।